टेक्सिल.com के YouTube चैनल पर मैं CA सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि GSTN 9 की एनुअल रिटर्न को किस प्रकार फिल करना है। इससे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया कि GSTN 9 यानी कि GST की एनुअल रिटर्न का पार्ट वन और पार्ट टू में B2C सप्लाई को किस प्रकार एंटर करना है, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर सप्लाई। इसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि B2B सप्लाई की डिटेल किस प्रकार एंटर करनी है आपको GSTN 9 में, यानी कि यदि बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई की गई है। यदि आप GSTN 9 के इंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो उसमें कहा गया है कि आपको यहाँ पे जो डिटेल भरनी है वो जुलाई 2017 से मार्च 2018 की डिटेल भरनी है, जो कि आपने अपनी GST की रिटर्न्स में डिक्लेयर की है। यदि आप GSTN 9 के इंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो यह कहती है कि टेबल 4B में क्या भरना है, यानी कि जो सप्लाईज आपने रजिस्टर्ड व्यक्ति को की है उसकी एग्रीगेट वैल्यू यहाँ पे टेबल 4B के अंतर्गत आएगी, यानी कि सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन्स B2B। इसमें वह सप्लाई भी आएगी जो कि अपने UIN होल्डर को की है, यानी कि यूनिक आइडेंटिटी होल्डर्स को। यदि GST Act के अंतर्गत रजिस्टर्ड किसी सप्लायर ने सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म के थ्रू की है तो वह सप्लाई भी यहाँ पे ऐड होगी। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन में ये भी बताया गया है कि यहाँ पे वह सप्लाई नहीं आएगी जिसपे के रिसिपियंट को रिवर्स चार्ज बेसिस पर GST पे करना होता है। मान लीजिए कोई डायरेक्टर है किसी कंपनी में, उसका अपना एक बिल्डिंग है जिसे कि उसने रेंट पे दिया हुआ है किसी कंपनी को, तो उस केस में यहाँ पे B2B सप्लाई के अंतर्गत वह अपनी जो रेंटल इनकम है वो तो यहाँ पे दिखाएगा जिसपे कि वो GST चार्ज कर रहा है। लेकिन यदि वह डायरेक्ट सिटिंग फीस भी रिसीव कर रहा है किसी कंपनी से, तो उस केस में जो GST है वो रिवर्स चार्ज बेसिस पर रिसिपियंट को पे करना होता है, तो उस केस में डायरेक्टर अपनी सिटिंग फीस की जो डिटेल है वो यहाँ पे नहीं देगा। यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ पे वो सप्लाई ही आएंगी जिन पे के टैक्स पेबल है और जो GST के रिटर्न में डिक्लेयर किया गया है। इस प्रकार यदि कोई सप्लाई नील रेटेड है, एग्जेम्प्टेड है या फिर नॉन GST है, जो कि एक बिजनेसमैन ने दूसरे बिजनेसमैन को की है जो कि GST एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो उस केस में वह डिटेल यहाँ पे नहीं आएगी। इसके अलावा आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि GSTN 9 के अंतर्गत आपको वह डिटेल ही यहाँ पे रिपोर्ट करनी है जो कि आप अपनी GST की रिटर्न्स में डिक्लेयर कर चुके हैं। आपको कोई नया डेटा यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करना है, यहाँ पे आपको पुराने डेटा का ही कंसोलिडेशन करना है, यानी कि जो आपने GST के रिटर्न्स में फाइल किया है फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए। यहाँ पे जो वर्ड रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द ईयर दिया गया है उसे आपको रीड करना है, रिटर्न फाइल फॉर द फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि मार्च 2018 की जो रिटर्न है वो अप्रैल 2018 में फाइल होती है। इस प्रकार आपको यह जो डिटेल है वो जुलाई 2017 से मार्च 2018 के पीरियड के लिए यहाँ पे फाइल करनी है। एक और बहुत ज़रूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि B2B सप्लाई के केस में, यानी कि बिजनेसमैन से बिजनेसमैन की सप्लाई के केस में, डेबिट और क्रेडिट नोट की डिटेल अलग से मेंशन करनी होती है, इसलिए वह डिटेल आपको यहाँ पे नहीं देनी होती है। जबकि जब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि B2C के केस में जो डेबिट और क्रेडिट नोट है वो आपको यहाँ पे नेट करके दिखानी है इस सप्लाई में, लेकिन B2B के केस में आपको डेबिट और क्रेडिट नोट की जो डिटेल है वो अलग से मेंशन करनी है दूसरे कॉलम में। यदि कोई B2B से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट है, क्रेडिट नोट है या फिर डेबिट नोट है, वे आपको GSTN 9 के टेबल 4 में ही रिपोर्ट करना होता है, लेकिन यहाँ पे पार्ट I से लेके पार्ट L के अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। यानी कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो क्रेडिट नोट B से लेके E सीरियल नंबर तक दिए गए हैं उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे करनी है। इसी प्रकार ही डेबिट नोट जो कि यहाँ पे सीरियल नंबर B से E तक दिए गए हैं उनकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ सेपरेटली करनी है। इसके अलावा जो सप्लाई या फिर टैक्स आपने डिक्लेयर किया है अमेंडमेंट के थ्रू, या फिर सप्लाई या फिर टैक्स रिड्यूस किया है अमेंडमेंट के थ्रू, उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे करनी है। इसके अलावा यदि B2B सप्लाई से रिलेटेड कोई आपने अमेंडमेंट, डेबिट या क्रेडिट नोट अगले फाइनेंशियल ईयर में दिखाया है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का डेटा आपने अप्रैल 2018 से सितंबर 2018 के बीच में रिपोर्ट किया है, तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे नहीं देनी है। यह जो अमेंडमेंट है, डेबिट या क्रेडिट नोट है, वो आपको अलग से दिखाने हैं GSTN 9 के टेबल 10 और 11 में।
यह है GSTR 9 का टेबल 10 और टेबल 11, यानी कि जो अमेंडमेंट डेबिट और क्रेडिट नोट पिछले फाइनेंशियल ईयर के 2017-18 के आपने अगले फाइनेंशियल ईयर में दिखाए हैं अप्रैल 2018 से सितंबर 2018 की रिटर्न में, उनकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे करनी है। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत क्रेडिट नोट कब इशू किए जाते हैं, इसके लिए सेक्शन 34 में बताया गया है कि यदि टैक्सेबल वैल्यू या फिर जो टैक्स चार्ज किया गया है टैक्स इनवाइस में वो गलती से ज़्यादा चार्ज कर लिया गया है, या फिर गुड्स जो सप्लाई की गई थी उसे रिसिपियंट के द्वारा रिटर्न कर दिया जाता है, या फिर गुड्स या सर्विस डेफिशिएंट हो जाती हैं, तो उस केस में क्रेडिट नोट इशू किया जा सकता है। क्रेडिट नोट तभी इशू किया जा सकता है यदि आपने पहले इनवाइस इशू की है उसके अगेंस्ट ही क्रेडिट नोट इशू किया जा सकता है, और दूसरा सप्लायर ही जीएसटी एक्ट के अंतर्गत क्रेडिट नोट इशू कर सकता है। क्रेडिट नोट हर फाइनेंशियल ईयर के लिए अलग से इशू करने होते हैं। इस प्रकार आपके ध्यान रखना है कि जब आप B2B सप्लाई से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल भर रहे हैं तो जो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू किए गए हैं B2B के केस में वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करने हैं। एक टैक्सेबल व्यक्ति क्रेडिट नोट इशू कर सकता है जहाँ पे कि वह GST को रिड्यूस नहीं करता है बल्कि जो वैल्यू होती है उसे ही रिड्यूस करता है, जैसे कि सप्लाई करने के बाद डिस्काउंट ऑफर किए जाते हैं, या फिर एग्जम्प्ट सप्लाई, जीरो रेटर सप्लाई, नॉन GST सप्लाई से रिलेटेड क्रेडिट नोट इशू किए जाते हैं, तो वह क्रेडिट नोट GST एक्ट के अंतर्गत इशू नहीं किए गए हैं, उसका डिस्क्लोजर यहाँ पे नहीं आएगा। GST एक्ट के अंतर्गत डेबिट नोट कब इशू किए जाते हैं, इसके लिए सेक्शन 34 में बताया गया है कि यदि कोई इनवाइस इशू की गई है और उसमें पता लगता है कि जो टैक्सेबल वैल्यू या फिर जो टैक्स चार्ज किया गया है वो कम चार्ज किया गया है, तो उसके बाद डेबिट नोट इशू किया जा सकता है, या डेबिट नोट सप्लायर के द्वारा ही इशू किया जाता है और हर फाइनेंशियल ईयर के लिए इशू किया जाता है। ये डिस्कस करते हैं कि यदि आप रजिस्टर्ड व्यक्ति से एडवांस लेते हैं तो उसका डिस्क्लोजर GST 9 में किस प्रकार करेंगे। यदि आपने कोई एडवांस लिया हुआ है रजिस्टर्ड व्यक्ति से तो उसका डिस्क्लोज़र आपको यहाँ पे नहीं करना है B2B के केस में, लेकिन यदि आपने एडवांस लिया था और उसके बाद आपने सप्लाई कर दी और इनवाइस को रेज कर दिया ड्यूरिंग द ईयर और उस इनवाइस को अपनी रिटर्न में डिक्लेयर कर दिया है तो उसका डिस्क्लोज़र यहाँ पे आएगा। इस प्रकार जो अनएडजस्टेड एडवांसेस हैं ड्यूरिंग द ईयर उसका डिस्क्लोज़र यहाँ पे इस क्लोज के अंतर्गत नहीं आएगा। यदि आपने रजिस्टर्ड व्यक्ति से कोई एडवांस लिया है जिस पे कि आपने GST पे किया है और वह अनएडजस्टेड रहता है ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि आपने कोई इनवाइस इशू नहीं की है, तो उसका डिस्क्लोज़र आपको टेबल 4F के अंतर्गत करना है। इसके लिए आप GST 9 की इंस्ट्रक्शन को भी रेफर कर सकते हैं जो कि यह कहते हैं कि यदि आपका अनरजिस्टर्ड एडवांस है जिस पे कि आपने GST तो पे कर दिया लेकिन इनवाइस इशू नहीं की है करंट ईयर में, तो उस केस में आपको यह डिटेल यहाँ पे डिक्लेयर करनी है। इसके लिए आप GST 1 का टेबल 11A में जो डेटा है उसे यूज़ कर सकते हैं। GST 1 का टेबल 11, यानी कि यदि आपने कोई एडवांस रिसीव किया है और इनवाइसेज इशू नहीं की है, यानी कि अनएडजस्टेड एडवांस है, तो आप उसका डिस्क्लोज़र यहाँ पे देते हैं। यदि आपने जो एडवांस रिसीव किया है वो एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए किया है या फिर नॉन GST सप्लाई के लिए किया है, तो उस केस में डिस्क्लोज़र यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इस सप्लाई के ऊपर आपका कोई GST पेबल नहीं आ रहा है। यदि आपने जो एडवांस रिसीव किया है वो GST एक्ट आने से पहले किया है तो उसका डिस्क्लोज़र भी यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब GST आया 1 जुलाई 2017 से तो आपको एडवांसेस पर GST पे करना था, लेकिन उसके बाद सरकार ने 2 नोटिफिकेशन इशू किए 40/2017 सेंट्रल टैक्स, जिसमें कि कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति गुड्स की सप्लाई करने के लिए एडवांस रिसीव करता है और उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है तो उस केस में उसे एडवांसेस पर GST पे करने की आवश्यकता नहीं है विद इफेक्ट ऑन 13 अक्टूबर 2017। इसके बाद सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 सेंट्रल टैक्स इशू किया, जिसमें कि कहा गया कि यदि गुड्स की सप्लाई के लिए एडवांस रिसीव किया जा रहा है तो एडवांस के ऊपर आपको कोई GST पे करने की आवश्यकता नहीं है विद इफेक्ट ऑन 15 नवंबर 2017, लेकिन यदि आप सर्विसेज की सप्लाई करने के लिए एडवांस लेते हैं तो आपको GST पे करना ही है।
यदि आप JSTN 9 के इंस्ट्रक्शन देखते हैं तो उसमें कहा गया है कि टेबल 4B को फिल करने के लिए आप JSTR 1 के टेबल 4A और 4C के डेटा को यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार आपने जो GST के रिटर्न्स फाइल की हैं उसमें JSTR 1 का डेटा आपको यूज़ करना है फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का, ना कि JSTR 3B का डेटा। यह है JSTR 1 का टेबल 4A और 4C जिसका डेटा के आपको यूज़ करना है JSTR 9 का टेबल 4B फिल करने के लिए। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि JSTR 9 के टेबल 4B में यानी कि B2B सप्लाई में आपको सभी सप्लाईज यहां पे रिपोर्ट करनी है जो अपने रजिस्टर्ड व्यक्ति को की है, भले ही वो इंटर स्टेट हो या फिर इंट्रा स्टेट हो, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हो या फिर विद इन द स्टेट हो, वो दोनों सप्लाईज यहां पे आएंगी टेबल 4B के अंतर्गत। यहां पे आपको एक बात नोट करनी है कि जुलाई से मार्च 2018 के पीरियड के लिए जो आपने JSTR 1 फाइल की है और उसमें B2B सप्लाई की जो डिटेल डिक्लेयर की है उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे आएगी। यदि आपने जुलाई से मार्च 2018 के पीरियड के लिए रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट पीरियड की JSTR 1 में की है तो उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे नहीं दिखानी है, उसके लिए अलग से टेबल दिया गया है। यदि आपने B2B सप्लाई की रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में की है यानी कि अप्रैल 2018 से सितंबर 2018 के पीरियड में की है और वह जो रिपोर्टिंग आपने की है वो जुलाई से मार्च 2018 की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, तो उस केस में आपको यह डिस्क्लोज़र JSTR 9 के टेबल 10 और टेबल 11 में देना है। ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई इंट्रा स्टेट सप्लाई की थी यानी कि विद इन द स्टेट, और उसे गलती से कंज्यूमर को सप्लाई आपने दिखा दिया है यानी कि B2C इन सितंबर 2017, और बाद में आपने मार्च 2018 में अपने रिटर्न को रेक्टिफाई कर दिया है और उसे B2B सप्लाई जो है वो दिखा दिया है 10 लाख रुपये की। इस केस में इनवाई डेट 10 सितंबर 2017 की है। आपको JSTR 9 में यह रिपोर्टिंग B2B में ही करनी है यानी कि JSTR 9 के सीरियल नंबर 4B के अंतर्गत यह रिपोर्टिंग आपको दिखानी है, क्योंकि एज ऑन 31 मार्च 2018 आपने इसमें रेक्टिफिकेशन कर लिया है, तो ट्रांजेक्शन जो है वो B2B सप्लाई आएगी 10 लाख रुपया। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने नवंबर 2017 में रजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई की, लेकिन यह जो इंटरस्टेट सप्लाई है आपने की वहाँ पे वैल्यू 4 लाख रुपया दिखा दी, जिसे कि आपने मई 2018 के अंदर रेक्टिफाई किया और वैल्यू को 8 लाख रुपीज दिखाया। इसे आपको JSTR 9 में B2B सप्लाई के अंतर्गत ही रिपोर्ट करना है यानी कि JSTR 9 के सीरियल नंबर 4B में, और जो वैल्यू है वो 4 लाख रुपया ही दिखानी है, क्योंकि एज ऑन 31 मार्च 2018 आपने जो रिपोर्टिंग की है वही आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करनी है। जो अमेंडमेंट आपने मई 2018 में की है उसे आप JSTR 9 के टेबल 10 में दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि जो अमेंडमेंट आपने अप्रैल से सितंबर 2018 की JSTR 1 में की है और वो जो ट्रांजेक्शन वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करती हैं उनकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे करनी है, सप्लाई जुबली टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए दिसंबर 2017 में 6 लाख रुपीज की सप्लाई की जाती है रजिस्टर्ड व्यक्ति को, और इसके लिए जो क्रेडिट नोट है वो मार्च 2018 में इशू किया जाता है 3 लाख रुपीज का। इसका डिस्क्लोज़र आपको जो क्रेडिट नोट का डिस्क्लोज़र है वो JSTR 9 के सीरियल नंबर 4I में करना है। यहाँ पे क्रेडिट नोट की जो प्रोविज़न दी गई है, क्योंकि जो रिडक्शन है वो सेम फाइनेंशियल ईयर में कर दी गई है यानी कि जो क्रेडिट नोट है वो सेम फाइनेंशियल ईयर में इशू कर दिया गया है 31 मार्च 2018 तक, इसलिए जो रिडक्शन है क्रेडिट नोट की वो अलाउ की जाएगी। मान लीजिए सप्लाई जनवरी 2018 में की गई थी 6 लाख रुपीज की रजिस्टर्ड व्यक्ति को, लेकिन इसके लिए जो क्रेडिट नोट है वो अप्रैल 2018 में इशू किया गया है 3 लाख रुपीज का। इस केस में आपको JSTR 9 के सीरियल नंबर 4I में यह डिस्क्लोज़र नहीं करना है, क्योंकि इस केस में जो क्रेडिट नोट है वो अप्रैल 2018 में इशू किया गया है यानी कि फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद। हालांकि ये क्रेडिट नोट पिछले फाइनेंशियल ईयर की ट्रांजैक्शन से बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी
आपको यहाँ पे रिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। इस प्रकार ये क्रेडिट नोट आप GSTL 9 के इस कॉलम में नहीं दिखा सकते। यदि कोई व्यक्ति GST Act के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और वो ऐसी सप्लाई कर रहा है जिसपे के GST रिवर्स चार्ज बेसिस पर रिसिपिएंट को पे करना है, तो उस केस में उसका डिस्क्लोजर GST 9 के टेबल 4B में नहीं आएगा, यानी कि B2B सप्लाई में उसका डिस्क्लोजर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस सप्लाई के ऊपर GST सप्लायर के द्वारा पे नहीं किया जाता बल्कि रिसिपिएंट के द्वारा पे करना होता है। और यहाँ पे जो वर्डिंग दी गई है वो टैक्स पेबल की वर्डिंग दी गई है, इस प्रकार यह डिस्क्लोजर यहाँ पे नहीं आएगा। जो सप्लाई आपने की है जिसपे के रिसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में GST पे करना है, उसे आप GSTR9 के टेबल 5C के अंतर्गत दिखा सकते हैं, जो कि यह कहता है कि सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। इस प्रकार मान लीजिए कोई डायरेक्टर है और उसने सिटिंग फीस के लिए अमाउंट रिसीव किया है, उस केस में जो सिटिंग फीस पे GST है वो तो रिवर्स चार्ज बेसिस पर रिसिपिएंट को पे करना होता है। लेकिन यदि डायरेक्टर GST एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो वह अपना यह अमाउंट इस कॉलम के अंतर्गत दिखा सकता है GST 9 के टेबल 5C में। GSTL 9 को फिल करने के लिए सबसे पहले आप GSTL 9 को एक्सेल शीट में आप मेंटेन कर लें, उसके बाद आप अपनी GSTR1 का जो डेटा है मंथ वाइज वह एक्सेल शीट में मेंटेन कर लें। उसके बाद आपको B2B की जो डिटेल GSTR9 में भरनी है टेबल 4B के अंतर्गत, उसकी एक एक्सेल शीट में कंसोलिडेशन कर लें मंथ वाइज। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे मंथ वाइज कंसोलिडेशन कर ली है। GSTR1 के टेबल 4A और 4C से जो फिगर्स हैं मंथ वाइज हमने उठा ली हैं, यह फिगर हमें GSTR9 के टेबल 4B में डिक्लेयर करनी है। तो हम GSTR9 का जो टेबल 4B है उसके अंदर यह फिगर जो है वो डिक्लेयर कर देंगे। इस प्रकार आप आसानी से जो डेटा है अपना वो फिल कर सकते हैं यहाँ पे, यदि आपने एक्सेल में शीट्स मेंटेन की हुई है तो। जिसके बाद के डेटा जो है वो GST पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसी प्रकार ही हमने क्रेडिट नोट्स की डिटेल मंथ वाइज बना ली है, डेबिट नोट की डिटेल मंथ वाइज बना ली है जो सप्लाई रजिस्टर्ड व्यक्ति को की है, और अमेंडमेंट के थ्रू हमने डिक्लेयर की हैं उन्हें भी हमने सेपरेटली मेंटेन कर लिया है। इसके अलावा जो सप्लाईज हमने रजिस्टर्ड व्यक्ति को की है और टैक्स रिड्यूस हुआ है वह भी हमने सेपरेटली यहाँ पर मेंटेन कर ली है। इसके अलावा रिवर्स चार्ज बेसिस पर जो सप्लाई है वो भी हमने यहाँ पर मेंटेन कर ली है। यह जो सप्लाई है वो हमें GSTR9 के टेबल 5C के अंतर्गत दिखानी है। यह GSTR9 इसका जो टेबल 5C है, यानी कि सप्लाई जिसपे के रिसिपिएंट को रिवर्स चार्ज बेसिस पर GST पे करना है, सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा जो सप्लाई अपने रजिस्टर्ड व्यक्ति को की है और GSTR1 में डिक्लेयर की है, लेकिन अप्रैल से सितंबर 2018 में डिक्लेयर की है और यह सप्लाई पिछले फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करती है, उसका आप डेटा अलग से मेंटेन कर लेंगे। और यह जो टोटल होगा वो आपको GSTR9 के टेबल 10 के अंतर्गत दिखाना होगा। यह GSTR9 इसका टेबल 10 जो है यहाँ पे सप्लाई ऑफ टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट, यहाँ पे आप यह सप्लाई जो है फिल कर सकते हैं। इसके अलावा GSTR9C को किस प्रकार फिल किया जाए इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। GST पर नई बुक्स मार्केट में आ गई हैं, इन बुक्स को रेफर करने के लिए लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप GST के कंसेप्ट को समझना चाहते हैं या फिर GST के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर जाकर मेरी प्रोफाइल में वीडियोस को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक है GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और आप अनअकैडमी की लर्नर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। GST टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें बताएं, लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर
अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं।